हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि हमने हमारी सिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है। लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पर बनाया था एक्सपो सेंटर, जो कि अभी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये मेन रोड से हम अभी जब जाएंगे तब हमें यहाँ पर एक्सपो सेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाएंगा। और हमने इधर जो एरिया बनाया था ना, मतलब जो रेसिडेंशियल एरिया और ऑफिस जोन बनाया था, वो हमने सिक्स लेन के रोड से बनाया था। आप देख ही सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेंगी और कुछ भी ऐसा ज़्यादा रास्ता जाम हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा सिक्स लेन का यही ज़्यादा फायदा हुआ था। यहाँ पर हमने बनाया था लो डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, और यहाँ पर बनाया था हमने ऑफिस एरिया, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से हमने एक टनल निकाला था कि जो टनल निकलता है सीधा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ पर है हमारा लैंडफिल साइड है जहाँ पे सारा सिटी का कचरा आता है, और यहाँ पे हमें सीमेंट्री बनी है जहाँ पे सारी सिटी की मरे हुए लोगों की लाशें आती है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा यहाँ से कचरे की ट्रक वहाँ निकल जाती है। ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ से कचरे की ट्रक निकल रही है, पुलिस की गाड़ी सब, मतलब इस सिटी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया था। तो यहाँ पर इस एपिसोड में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक ट्रेन स्टेशन। मतलब ट्रेन स्टेशन ऐसा रहेगा कि जैसे कि अभी सिटी के बाहर जाएंगी वो ट्रेन, तो यहाँ से ट्रेन ऐसी स्टेशन बनाएंगे। और ये देखो, यहाँ पर आप मेन लाइन देख सकते हो, इस मेन लाइन को वो ट्रेन कनेक्ट होने वाली है यहाँ पर भाई। हाँ, इधर हमने ये भी बनाया था, देखो कार्गो टर्मिनल, इसकी लाइन तो हमने इधर ज्वाइन की थी, उसी लाइन को की थी। तो ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने दो कार्गो टर्मिनल बनाए थे। उस कार्गो टर्मिनल से गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो और यहाँ पे भाई हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो प्रॉब्लम है नॉट इनफ वर्कर की। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैंने देखो, यहाँ पर पूरा भरा हुआ था हमारा एरिया, अबेंडेंट बिल्डिंग कर करके सारे अबेंडेंट बिल्डिंग हो गई थी। तो मैंने इनको सबको तोड़ डाला, तो कितना भाई इंडस्ट्रियल एरिया बचा है हमारा। यहाँ की सारी बिल्डिंग मैंने तोड़ दी, लेकिन फिर भी इनका नॉट इनफ वर्कर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। तो पहले तो हमें इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक प्लान किया है कि यहाँ पर आपको जो जगह दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पर ये जगह है, ये हमारे लैंड की बाउंड्री है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये देखो, इधर हमने सोलर का पूरा विंड मिल का लगाया था, वाटर विंड मिल ये सब। तो इधर ये देखो, यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। तो हमें यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया बना देना चाहिए, और वो एरिया रहेगा श्रीपुर, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए हम उनकी एंट्री रखेंगे। मतलब उनको अगर बाहर जाना होगा तो वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो उनको काम करना होगा तो फिर उन्हें इंडस्ट्री के सिवा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर हमारा ये नॉट इनफ वर्कर का ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकता है। तो चलो, पहले तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें वो वाला रेसिडेंशियल एरिया डेवलप कर लेना चाहिए, और इसे हम एक ही रोड से कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ताकि क्या होगा कि ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक नहीं होगी, मतलब इनको जाने के लिए एंट्री यहाँ से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर हम लेंगे बड़ी वाली रोड, जैसे कि सिक्स लेन रोड हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हमें भाई ट्रैफिक नहीं चाहिए अभी। ये देखो, यहाँ पर आपको ट्रैफिक दिखा दूँ तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। ये देखो, इधर तो नहीं है, ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी रोड थी ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि ये जब हमने गेम स्टार्ट किया था तो ये यहाँ पर छोटी रोड मिलती है हमें, तो फिर हम बड़ी रोड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अभी हम यहाँ पर वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इधर भी देखो सिक्स लेन रोड लगाया था, तो बहुत ही कम ट्रैफिक रहती है, बहुत ही कम, मतलब ट्रैफिक देखने को ही नहीं मिलेगी आपको। ये देखो, यहाँ पर आपको ट्रैफिक ही नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही खुला खुला रोड रहता है यहाँ पर, लोगों का घर बहुत ही खुले खुले लगते हैं, इसलिए सिक्स लेन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो वही सिक्स लेन लेते हैं हम, डबल साइट वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, एक मिनट चेक कर लेता हूँ उसे, पेड़ों के बीच ये वाला शायद हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे लेंगे हम सीधा यहाँ पर, और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हम उसे पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पर हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया हम यहाँ पर बना सकें। तो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी हमें, इतना ठीक हो जाएगा शायद, ताकि हम यहाँ पर हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया अभी इतना बना देंगे कि फिर इनकी नॉट इनफ वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, और हमें इंडस्ट्रियल एरिया फिर कम होने लग जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से तो हमने सीधी डाल दी, फिर यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन डाल सकते हैं। हाँ ओके, मैं जल्दी से हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया बना देगा ना पूरा, ताकि यहाँ पर इनकी नॉट इनफ वर्कर की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हम बनाएंगे
पूरा हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया, और हमारे तरफ आप देख सकते हो कि रेसिडेंशियल एरिया की भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो वैसे भी हमें रेसिडेंशियल एरिया बनाना ही था, तो इसे हमने यहाँ पर पूरी तरह से इसे मार्क कर दिया, और इस साइड पे हम बनाएंगे कमर्शियल एरिया, ताकि ये जो नॉइज़ है ना रोड के पास बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो वैसे भी यहाँ पर कमर्शियल एरिया रहेगा तो ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने बना दिया है कमर्शियल एरिया, और इस जगह पे हम इनके लिए थोड़ा सा गार्डन गुर्डन कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया बनना शुरू हो चुका है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम पहले। शायद से एरिया तो बनना शुरू हो चुका है, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर कि बहुत ही बढ़िया से ये एरिया यहाँ पर डेवलप हो रहा है। वो इनकी पानी की प्रॉब्लम, जब तक अंधेरा है तब तक मैं इनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से हम इनको पानी का कनेक्शन दे देंगे एक, ओके। ओके, तो अभी हो चुकी है यहाँ पर सुबह, और देखो मैंने इनकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी, और इनको इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से कनेक्शन भी दे दिया, जो कि तार आती है सीधी यहाँ से हमारे विंडमिल से, और यहाँ पर मैंने इनको पूरा पानी का भी कनेक्शन दे दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा पानी की लाइन हमने यहाँ पर बेचा दी। तो यहाँ भी यहाँ पर देखो इनके लिए मैंने एक विंडमिल लगानी पड़ी, क्योंकि इधर हम तार डालते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, तो यही विंडमिल हम बाद में हटा लेंगे, नहीं तो वैसे तो अच्छी लग रही है यार विंडमिल, यहाँ पर और एक लगा देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा रेसिडेंशियल एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से बनना शुरू हो चुका है, और ये देखो यहाँ पर बिल्डिंग अपग्रेड भी हो रही है, मतलब ये छोटी बिल्डिंग है ना ये धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगी जैसे जैसे हमारा टाइम आगे चलता जाएगा। और ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होगी यहाँ पर, अभी इस घर में 900 आगे आमिर लोग शायद। तो यहाँ पर हमने इनके लिए बहुत ही अच्छा सा ये कर दिया, और यहाँ पर इनका हमने कमर्शियल एरिया के भी, अरे यार ये तो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये लो डेंसिटी कमर्शियल एरिया बना दिया हमने, हमें हाई डेंसिटी बनाना था, हाई डेंसिटी बनाना था यार, फिर से हटाना होगा शायद से ये। तो चलो इनको हटा देता हूँ मैं तब तक। रहने दो, वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इनको, जाने दो, वैसे ये अच्छा लग रहा है ये, नहीं तो फिर वो बिल्डिंग कुछ दिखेगा नहीं, इधर से तो हम नज़ारा भी देख सकते हैं बिल्डिंग रोड का इन छोटे से बिल्डिंग के वजह से। तो यहाँ पर रहने देते इसको, रहने दो, ये वैसे भी अच्छा लग रहा है, आधी बिल्डिंग तो तोड़ दी मैंने, लेकिन वो बढ़ जाएगी शायद। अरे यहाँ पर भाई ट्रैफिक होना ही अभी से शुरू हो गया, इनका कुछ करना होगा यार, ये व्हीकल्स इधर क्यों आ रही है यार, बहुत ही ज़्यादा व्हीकल्स इधर आ रही है, इनका कुछ ना कुछ करना होगा हमें। ये देखो यहाँ पर ये मैंने तोड़ दिया था ना, वो बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर पहले मुझे शायद से पुलिस स्टेशन और फायर डिपार्टमेंट का इंतजाम करना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर हम कितना एरिया कवर करेगा, ये क्या है, ये है हॉस्पिटल, तो यहाँ पर लगाएंगे हम एक हॉस्पिटल, नहीं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पर लगा दिए, चलो यहाँ पर एक हॉस्पिटल लगाते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल, एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक फायर डिपार्टमेंट, और बच्चों के लिए एलिमेंट्री स्कूल भी लगाना होगा, क्योंकि पहले एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ेंगे बच्चे, तो उनके लिए शायद दो लगाने होंगे यार हम स्कूल, तो ये किधर लगा देते, नहीं यार इधर भी लगाना होगा, मतलब हर रोड पे एक लगाना होगा शायद, ये देखो इधर कवर नहीं हो रहा है, तो चलो एक शायद से यहाँ पर लगा देते, और इसने कितना कवर कर लिया, दूसरा लगाएंगे यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर लगा देते, मतलब हमने अच्छे से तीन एलिमेंट्री स्कूल लग गए हमें इतनी जगह में, बहुत ही ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे शायद से अभी। और ये व्हीकल का क्या कर सकते हैं यार हम, यहाँ पर ये इधर इधर आ रही है, तो इनकी कचरे की भी प्रॉब्लम शायद से सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पर गारबेज की भी व्हीकल आना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर ये दुकान भी अच्छे से चलना शुरू हो चुका है, तो शायद से अभी हमने हमारा काम यहाँ पर कर दिया। लेकिन इनके लिए कुछ एंटिक, मतलब यूनिक बिल्डिंग में हम कुछ गार्डन गुर्डन लगाएंगे, जैसे कि ओ ये लेबर है ना, तो नहीं इनके लिए कुछ गार्डन लगाना होगा हमें। तो यहाँ पर एक बास्केटबॉल ग्राउंड है हमारे पास, तो हम
एलिमेंट्री स्कूल कहाँ पे लगाया था हमने, ये एलिमेंट्री स्कूल इधर लगाया था कहीं तो। हाँ ये देखो यहाँ पर, तो ये बास्केटबॉल ग्राउंड, नहीं तो यहाँ पर लगाएंगे ना एंट्री पे अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर हमने बास्केटबॉल ग्राउंड लगा दिया, कैसा दिख रहा है एक बार चेक कर लेते। ओह ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, और यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो चुका है अभी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पर बनाया था हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर हमने फायर डिपार्टमेंट, मतलब सब कुछ हमने यहाँ पर अच्छे से बना दिया है। इनको अभी कुछ तकलीफ नहीं होने वाली हमारे तरफ से तो। और यहाँ पर हम और एक गार्डन लगा देते हैं ना, गार्डन हमें मिलेगा, कौन सा वाला लगाएंगे हम यहाँ पर, बर्थडे प्लाजा, ये हम एंट्री पे लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, यहाँ पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर हमने एक बर्थडे प्लाजा भी लगा दिया, और कुछ पार्किंग डाल देते हैं यहाँ पर भी, नहीं तो नहीं पार्किंग तो नहीं बैठ रही, स्मॉल पार्किंग। ओके यहाँ पर हमने दो पार्किंग भी लगा दी, जो कि आप देख ही सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर बर्थडे प्लाजा में सेलिब्रेशन तो होना ही होगा इनका। और इनके लिए कुछ गार्डन, एक आधा गार्डन, गार्डन का गार्डन नहीं मिला मुझे अभी तक। ये हम यहाँ पर इनके लिए लगा सकते हैं, ये क्या है फिशिंग, ये तो उधर लगाएंगे हम। ये क्या है टॉपी, ट्रॉपिकल गार्डन, तो ये ट्रॉपिकल गार्डन लगा देते हैं इनके। तो ये यहाँ पर लग रहा है, मतलब वैसे तो बढ़िया जगह पे लग चुका है भाई हमारा गार्डन, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी इनके लिए हमने गार्डन भी लगा दिया। तो ये रोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम, करके देखे यहाँ से जाएगा सीधा से यहाँ पर कनेक्ट कर देते। ओह ये शायद से यहाँ पर अभी कनेक्ट हो चुका है, लेकिन वन वे है क्या, नहीं टू वे है, टू वे, तो ये कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो बढ़िया हो गया। और क्या क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर और लगा सकते हैं ये पार्क का, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते। अरे जगह भाई ये पूरा रिवर साइड पे आ चुका है, अभी गिर नहीं जाना चाहिए इस रिवर, तो इसको पानी नहीं दिया हमने तो। हाँ ये देखो बढ़िया चीज़ हो गई यहाँ पर। इधर सामने थोड़ी पार्किंग लगा देते हैं, फिर पार्किंग कैसी रहेगी, फिर इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इधर एक और पार्किंग लगाएंगे, किधर है पार्किंग, ये रही। हाँ बड़ी वाली पार्किंग लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं बड़ी वाली तो नहीं लगा पा रहे हैं, तो छोटी वाली पार्किंग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 1, 2, 3, तो यहाँ पर हमने तीन पार्किंग और ऐड कर दी। वैसे इनकी इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है अभी हमने यहाँ पर इतना गार्डन वूडन बना दिया, तो शायद इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए अभी। तो और छोटा सा कुछ हमें यहाँ पर मिल सकता है क्या, जैसे कि हाँ ये देखो ये हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, ये तो बहुत ही बड़ी जगह ले रहा है। तो बस फिर हमने बहुत कुछ लगा दिया अभी इनके लिए, सब कुछ तो हमने इनका काम कर दिया यहाँ पर। बस लाइन, हाँ देखो अभी शायद से इनकी नॉट इनफ वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए भाई। तुम्हारे घर के बाजू में हमने अभी वर्कर का इंतजाम कर दिया, अभी तो तुम्हारी नॉट इनफ वर्कर, देखो बढ़िया लग रहा है भाई ये एरिया, बहुत ही कमाल का लग रहा है मुझे तो। कचरे का, हाँ ये देखो कचरे की गाड़ी भी बराबर से जा रही है। एक मिनट भाई, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर ही देना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग चली जाएगी लगा था मुझे, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। फिर इसे रख के कुछ फायदा नहीं ना, कनेक्ट करना था हमें, इसलिए हमने फिर इसे कर देते हैं। और यहाँ पर हम छोटा सा 2-लेन 4-लेन वाला कौन सा रोड है वो लगा देते। ये देखो काफी बढ़िया लग रहा है वैसे। यहाँ पर कुछ बनेगा या नहीं, नहीं बनेगा। तो ये देखो बिल्डिंग भी अपग्रेड होना शुरू हो चुका है, और शायद हमें अभी इलेक्ट्रिक का पोल उखाड़ देना चाहिए यार। देख लो एक बार इलेक्ट्रिसिटी कैसी मिल रही है इनको, यहाँ उखाड़ लेना चाहिए अभी ये पोल आने, इसकी अभी हमें शायद से इतनी ज़रूरत नहीं है आगे तक। तो देखो यहाँ पर अपने आप घर बनेगा। अरे नहीं 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 इनकी प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो इसे शायद से हमें यहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए। ओके तो अभी यहाँ पर घर बनने के लिए हमने जगह छोड़ दी, तो यहाँ पर अपने आप घर भी बन जाएगा और इनकी प्रॉब्लम भी चली जाएगी, काफ़ी बढ़िया। इसकी पानी की प्रॉब्लम क्या हुआ यार, इसको अकेले कुछ पानी नहीं मिल रहा इधर। चलो इसको भी दे देते पानी का कनेक्शन। ओके इसको पानी का कनेक्शन भी हमने दे दिया,
तो यहाँ पर अभी हमने इनकी सिटी तो बना ली। ओह एक मिनट, बस ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर एक लाइन आ रही थी ना, इस पे हम क्या करते हैं, इस लाइन को ना जैसे कि थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ, मतलब इधर एक स्टॉप लगा दिया और अभी इधर भी एक स्टॉप लगा दिया हमने इसको, इधर एक और लगा देते हैं जैसे कि, और इसको आगे तक ले जाना होगा तो ओके। तो यहाँ पर अभी इधर भी इनके लिए बस की लाइन हमने उसी को एक्सपेंड कर दिया, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। इधर दो स्टॉप है, इधर एक स्टॉप है, और यहाँ पर हमें एक स्टॉप लगाना चाहिए, यहाँ पर एक, बस इतना ही ठीक है स्टॉप। ठीक है, तो हमने इनकी बस की लाइन भी लगा दी, फिर भी यार इनकी नॉट इनफ वर्कर की अगर प्रॉब्लम नहीं गई ना, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री उखाड़ के फेंक दूंगा फिर इनको। तो जाने दो, इनको हमने कनेक्शन दिया ही नहीं है, लेकिन यार इनकी तो चलिए, ओह शायद से इनकी प्रॉब्लम कम हो गई भाई, कम हो गई इनकी प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पर नॉट इनफ वर्कर का सिर्फ एक ही दिख रहा है, पहले इतने सारे दिख रहे थे। भाई इनकी प्रॉब्लम तो चली गई। इधर भी हमें वही करना होगा, लेकिन इधर के इनके लिए भी, इधर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा घर का मतलब इंडस्ट्री तोड़ डाली थी, क्योंकि अबेंडन उड़ जा रही थी ये। सही है, देखो अभी ये अबेंडन नहीं है, इसको बाद में तोड़ेंगे अभी, लेकिन ये जो सिटी बनी है भाई एक ही नंबर, बहुत बढ़िया। अरे इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ना तो और भी बढ़िया लगेगी। हाँ कौन सा रोड, वही रोड से मोड़ बड़े वाले। अरे भाई ब्रिज बन गया इधर तो, ये एक तो काफ़ी बढ़िया था अभी। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी उनकी लाइन तो बिछा दी है बस की, सब कुछ यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। ये देखो यहाँ पर भाई पूरी बस फुल भर भर के जा रही है। देखो इसकी आपको कितने लोग बैठे, 30 पैसेंजर बैठे इसमें, मतलब आपको बस खाली नहीं मिलेगी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर 30 पैसेंजर, 30 मतलब इसमें अभी बैठेंगे शायद ना। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर रुकी, इसमें 0 पैसेंजर था ना अभी, तो ये देखो अभी इसमें कितने पैसेंजर बैठेंगे। एक मिनट, निकल जा जल्दी, निकल। ये देखो फुल हो गई, अभी 15 बैठ गए, और ओ रुकिए शायद वहाँ पर। ये देखो अभी 15 मतलब ऐसी खाली बस ही नहीं मिलेगी आपको। फिर यहाँ से अभी वो सीधा जा रही है यहाँ से, चलो भाई अपना अभी। शायद इनका नॉट इनफ वर्कर का यार प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है यार इनका, तो क्या करें आप अभी इनके लिए। एक मिनट, ये यहाँ पर गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं हम इनके लिए, जान दो अभी इनके लिए, अभी शायद से धीरे धीरे इनकी ये प्रॉब्लम चली जाए। तो यहाँ पर ना मैंने ये देखो इनको, ये लैंडफिल साइड है ना, इनको खाली होने के लिए लगाया था, तो क्या हुआ इनका एक बार देख लेते हैं। तो ये हो चुकी है यहाँ पर 0%, और यहाँ पर मतलब ये पूरी की पूरी अभी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें बिछानी थी रेल लाइन, तो वो क्या बहुत ही बढ़िया रेल लाइन बिछाएंगे यहाँ पर। तो पहले तो हमें यहाँ पर ये एरिया क्लियर करना होगा, तो मैं पॉज कर देता हूँ गेम को थोड़ा। तो यहाँ पर ये एरिया हमें क्लियर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेमेट्री को भी हटा दिया और उस टनल को भी हटा दिया। तो अभी हमें शायद से यहाँ पर हमारा ट्रेन स्टेशन का काम शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से 6 लेन रोड डालेंगे यहाँ तक, और फिर उस रोड को यहाँ से कनेक्ट करके कितना दूर जाना है हमें। ओके, तो वेट यहाँ तक, और यहाँ से फिर हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अभी बनाएंगे हमारा ट्रेन स्टेशन, जो कि ये रहा यहाँ पर, और ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बैठी जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्रेन स्टेशन लग चुका है, और उसका लुक देखो ज़रा, अरे भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसकी पार्किंग भी है, वैसे हमें वैसे एक्स्ट्रा पार्किंग लगाने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम लगा देंगे यहाँ पर, हम कुछ पार्किंग लगा देंगे। और ये देखो यहाँ से अभी हमें इस ट्रेन की पटरी को कनेक्ट करना होगा सीधा, इधर है मेन लाइन, अरे मेन लाइन, हाँ ये देखो यहाँ पर ही मेन लाइन है ना, इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो जल्दी से हमारी पटरी का काम यहाँ पर कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर घर है थोड़े से, क्या करना चाहिए हमें, इसे अंडरग्राउंड लेना चाहिए या ऊपर से, तो चलो घर को ही हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ी तोड़ फोड़ तो करनी होगी भाई हमें। चलो हमने घरों को ही हटा दिया, और यहाँ पर फिर हम हमारी लाइन को बिछाएंगे। अब इसे हम अंडरग्राउंड को भी लगा सकते थे, लेकिन उसे हम बाद में ट्राई करेंगे।
ये देखो यहाँ पर हमारी ट्रेन, अरे यार ये घर भर फिर से बनना शुरू हो गया। नहीं 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 चले गए शायद अभी। ये देखो यहाँ पर बराबर कोने कोने में हमारी ट्रेन की पटरी बैठ रही है। क्या यहाँ पर भी एक स्टेशन लगाना चाहिए था क्या हमें? वैसे ज़्यादा पास पास हो जाएंगे यार ये स्टेशन दोनों। यहाँ पर अगर हमने एक स्टेशन लगाया, एक बार चेक कर लेते। देखो यहाँ पर इस सिटी में एक स्टेशन और इधर की सिटी के लिए एक स्टेशन, वैसे बढ़िया होगा मॉल। तो चलो यहाँ पर भी एक स्टेशन लगा देते। लगेगा क्या लेकिन, ये घरों को हटाना होगा फिर हमें। सबको क्लीन करके, बहुत बुरा लग रहा है इसे तोड़ने में, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते थे ना, तो इसे भी हम इसे कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से लेंगे हमारी सीधी की सीधी लाइन। अरे वेट 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 वेट, इस जगह को, हाँ चलो बनने दो घर, वहाँ पे बन जाएंगे तो अभी। तो इसे यहाँ तक तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? ब्रिज बनाना चाहिए या अंडरग्राउंड डालना चाहिए? अगर हमने ब्रिज बनाया तो ब्रिज कुछ ऐसा लगेगा शायद से, मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड डाल देना चाहिए। क्यों इतना अच्छा रोड बनाया हमने? यहाँ से सीधा हम कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे है वो पटरी? हाँ ये रही यहाँ पर मेन पटरी। तो ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड को पटरी को कनेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इधर कनेक्ट वो लग नहीं रही है मुझे कि हुई है अभी तक। देखो यहाँ पर तो कनेक्ट हुई नहीं अभी, इधर तो नहीं हुई अभी तक कनेक्ट। इधर इधर हो चुकी है, देखो इसे पटरी में पटरी जानी चाहिए, तो इधर तो नहीं हुई यार कनेक्ट। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है इधर? ये देखो यहाँ पर अभी तो कनेक्ट हो चुकी है, पटरी में पटरी चली गई यहाँ से। तो मतलब अभी शायद से हमारे यहाँ पर ट्रेन आने के लिए तैयार है, तो जल्दी आओ। इतनी झुप झुप करके ट्रेन जा रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन जा रही है। ये देखो ये, लेकिन इधर एक भी नहीं आ रही है, वो शायद कार्गो ट्रेन है सबकी सब। अभी तक यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं आई, तो यहाँ पर हमारी पैसेंजर ट्रेन आएगी, यहाँ से सीधा जाएगी अंडरग्राउंड और निकलेगी यहाँ पर। यहाँ पर है हमारा पहला स्टेशन, तो यहाँ पर स्टेशन के पास हमें कुछ ना कुछ थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर बना देंगे थोड़ी सी पार्किंग स्लॉट और कुछ गार्डन भी बना सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं गार्डन तो नहीं लगा सकते हम वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्किंग का तो कुछ ना कुछ करना होगा भाई। तो यहाँ पर हम कहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं यहाँ पर तो नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा जगह चाहिए उसको। तो छोटी पार्किंग, नहीं हम छोटी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बची अभी तक। ओ देखो यहाँ पर तो बच चुकी, तो फिर इस घर को हटा के वापस छोटी पार्किंग और लगा देते। नहीं अभी तो नहीं लग रही उसकी, ये अकेली ही जगह थी शायद। ख़त्म, जगह ख़त्म हो गई हमारी वहाँ पर। तो देखो एक पार्किंग हमने यहाँ पर लगा दी, अभी हम लगाएंगे दूसरी। इधर क्या कर सकते हैं हम? इधर लग सकती है क्या पार्किंग? मेन प्रॉब्लम तो पार्किंग का ही आता है ना इसी जगह पे, दूसरा कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं हमें वहाँ पर। तो पार्किंग का ही कुछ करना होगा। नहीं यार इधर भी नहीं बैठ रही है, इधर नहीं, इधर भी नहीं है जगह, इधर इधर बैठ सकती है। तो यहाँ पर हमने सामने बड़ी वाली पार्किंग लगा दी, वन एक ही ठीक रहेगी शायद। और कुछ गार्डन वगैरह ट्राई करते हैं, जैसे कि स्टेशन के सामने हम कुछ गार्डन बना देते हैं, जैसे कि लोगों को बैठने के लिए हो जाएगा, नहीं तो उनको बाहर अगर खड़े रहे तो धूप में खड़ा रहना होगा। तो इसे यहाँ पर एक गार्डन लगा दिया हमने, और दूसरा गार्डन लगाएंगे हम कौन सा वाला? वो किधर है? जापनीज़ गार्डन लगाएंगे दूसरा, इधर ही जापनीज़ गार्डन हो, ये रहा जापनीज़ गार्डन यहाँ पर। और यहाँ पर लगा दिया हमने जापनीज़ गार्डन। और स्टेशन से तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वहाँ के आजू बाजू के लोग खुश हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने गार्डन भी लगा दिया, मतलब हमने सब कुछ अच्छे से तो डेकोर कर दिया यहाँ पर। लेकिन अभी सिर्फ इंतजार है हमें ट्रेन आने का, जब जल्दी से यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी। थोड़ी लाइट भी लगानी होगी हमें यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमें, ओह यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है। और ये भाई क्या गर्दी हो चुकी है हमारे स्टेशन पे, और ये ट्रेन हमारी निकल चुकी है शायद से इधर वाले स्टेशन पे भी। अरे ये इधर क्यों नहीं रुकी? शायद से आते टाइम रुकी होगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लाइट का इंतज़ाम कर देते पार्किंग के बाजू में। ये देखो थोड़ा उजाला रहेगा तो अच्छा लगेगा, इधर की साइड पे भी थोड़े से लाइट लगा देंगे। देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा।
नहीं तो बहुत अंधेरा हो चुका था वहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमने लाइट भी लगा दिया, और क्या कर सकते हैं हम। अरे यार ये बेचारे ने यहाँ पर क्यों बिल्डिंग बना ली, इसे हटा ही देते यहाँ पर, क्यों बनाई तुमने, फिर से बना लेगा शायद वो उसे। ये देखो यहाँ पर अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पर एक पार्किंग स्लॉट और डाल देते। स्टेशन पे लोग किधर है, बहुत ही बढ़िया। ये इधर ना हम ये पटरी को ना इधर भी बढ़ाएंगे, जब हम इधर वाली लैंड परचेस कर लेंगे ना तो इस पटरी को हम वहाँ पर सीधा सीधा लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम दूसरी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये देखो, ये देखो यहाँ पर ट्रेन आ रही है दूसरी, और बहुत ही बढ़िया सी हमारी पैसेंजर ट्रेन, और ये यहाँ से निकलेगी और शायद यहाँ पर, ओह ये देखो यहाँ पर रुक चुकी है अभी। और ये देखो लोग भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और इनकी क्या टक्कर होने वाली है क्या आमने सामने, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर इन्होंने इधर उतार दिया इनको, और यहाँ से ही घूम गई है। मतलब कुछ ट्रेन आगे जा रही है और कुछ ट्रेन वहाँ से सीधा यहीं से ही घूम जा रही है, मतलब समझे, कुछ इधर जा रही है कुछ उधर जा रही है, एक ट्रेन दोनों स्टेशन पर नहीं रुक रही है यहाँ पर, तो इतना तो समझ में आ गया। और भाई ये देखो यहाँ पर अब बस स्टॉप भी तैयार हो गया अपने आप, नहीं शायद मैंने वो पहले लाइन बढ़ाई थी ना, उसी लाइन के वजह से वो बस स्टॉप वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर बस स्टॉप तो वैसे होना ही चाहिए था ना। ये देखो यहाँ पर है हमारा सामने एक्सपो सेंटर, और एक्सपो सेंटर के सामने हमारा रेलवे स्टेशन। इधर का साइड थोड़ा बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर तो हमने अच्छे से डेकोर कर ही लिया था वैसे। गार्डन गुल्डन में कोई आया या नहीं अभी तक एक बार चेक कर लेते। ये देखो यहाँ पर क्या कुत्ते घुमा रहे हैं शायद, ये देखो डॉग वेटिंग, ओ वेटिंग वेटिंग मतलब क्या डॉग वेटिंग। ओके तो विजिटर्स ब्यूटीफुल जापानीज गार्डन सिटीजन्स ऑफ, अरे सिटीजन्स आ रहे हैं भाई। ये देखो पार्किंग में भी अभी व्हीकल लगना शुरू हो चुका है। ये तो अभी हो चुकी है सुबह, और यहाँ पे हमने जो रेसिडेंशियल एरिया बनाया था वो तो ख्याल से मेरे अच्छे से ऑपरेट हो रहा है। देखो यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा कंजेस्टेड एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रहा है। और शायद से अभी इसके वजह से इनकी नॉट इनफ वर्कर की प्रॉब्लम भी चली गई है। श्री भाभी देखो एक अकेले को प्रॉब्लम है बेचारे को, इसकी भी चली जाएगी तो। और शायद अभी इधर के एरिया के लिए भी हमें वैसा ही कुछ करना होगा, फिर इधर इन सबको उसी तरीके से हम इनकी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो गया यार, इनको हटाना होगा यहाँ से, इनको भी हटा देंगे। लेकिन हम आते हैं अभी हमारे ट्रेन टर्मिनल के तरफ। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर रात को ट्रेन टर्मिनल बनाया था अंधेरे में, तो रात को तो बढ़िया दिख रहा था, लेकिन अभी देख लेते इस पर एक बार नज़र मार के। वाह काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखो वैसे। यहाँ पर ट्रेन आ रही है या नहीं, हाँ चलो आ जाएगी जब आएगी तब, वैसे तो ट्रेन आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा दूसरा कहाँ पे है भाई स्टेशन, ये रहा यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेशन। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे पार्किंग भी भर चुकी है हमारी, और गार्डन में भी लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।